शिवसेना जो असली शिवसेना है, जो वैलिड शिवसेना है, जो रियल शिवसेना है, वो उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली नहीं है। शॉर्ट नोटिस पर कि 12 घंटे से भी कम का टाइम मिला एडवांस में कि आप मीटिंग के लिए आइए, तो ये भी फैसला गलत था। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल, टू ऑल माय व्यूअर्स एंड टू ऑल माय वंडरफुल स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। गाइस, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक पॉलिटिकल सर्कल का, जिसमें कि पॉलिटिक्स, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट और जिसमें कि लेजिस्लेचर, जो विधानसभा है, ये सारे इन्वॉल्व हैं। महाराष्ट्र की घटना है। महाराष्ट्र में आप सब लोग जानते हैं कि शिवसेना को लेकर के शिवसेना एक दो फाड़ में शिवसेना बट गई थी। एक शिवसेना को बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे उसका नेतृत्व कर रहे हैं, और दूसरी शिवसेना जो एकनाथ शिंदे, वो भी शिवसेना के ही मेंबर थे, और वो शिवसेना का जो बड़ा फैक्शन है उसको लेकर के वो अलग हो गए। तो इसके बाद से एक जंग उठ गई कि असली शिवसेना किसकी है। शिवसेना को लेकर के आपने उसमें कुछ महीनों पहले आपने देखा कि आसाम में वहां पे सारे MLAs को लेकर के एकनाथ शिंदे बैठे हुए हैं, और आसाम के चीफ मिनिस्टर भी घूमने के लिए गए, उनसे मिलने गए कि होटल में सिक्योरिटी कैसी है। गुवाहाटी में ये सारा कुछ प्लान आउट हुआ। तो कल एक महाराष्ट्र के जो स्पीकर है राहुल नार्वेकर का एक फैसला आता है, जो कि पूरे पॉलिटिकल सर्कल को पूरे भारत में झकझोर करके रख देता है, और खास करके कि जो विपक्ष में है, जो इंडी अलायंस के मेंबर्स हैं, उनको। राहुल नार्वेकर ने अपने जजमेंट में ये कहा, राहुल नार्वेकर ने रूल्ड आउट दैट एकनाथ शिंदे शिवसेना इज द रियल शिवसेना, इज द वैलिड शिवसेना। मीन्स उद्धव बाला साहब ठाकरे जो शिवसेना को रूल कर रहे हैं, शिवसेना को चला रहे एक और फैक्शन को, उसको असली शिवसेना नहीं माना गया। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को असली शिवसेना माना गया। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेकर के जाता हूं, आपको चीजें और भी बेहतर समझ में आएगी। महाराष्ट्र में BJP सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी जब चुनाव हुए थे तब विधानसभा के, लेकिन उसके कुछ सीटें कम पड़ गई थी, तो महाराष्ट्र में BJP अकेले सरकार नहीं बना सकती थी। और तीन जो पार्टी है वो उसके बाद, चाहे वो शरद पवार वाली पार्टी हो NCP, कांग्रेस पार्टी हो, और एक तीसरी पार्टी बन गई शिवसेना, ये तीनों पार्टी मिल गए और महाविकास अगाड़ी MVA का गठन किया, और शिवसेना से उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया गया। BJP और शिवसेना का एक तरह से विधवा विलाप हुआ, दोनों अलग अलग हो गए और दोनों के अपने रीजंस थे अलग होने के। शिवसेना की तरफ से कहा गया कि पिछली बार क्योंकि BJP का मुख्यमंत्री बना था तो इस बार मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा। BJP ने कहा कि ऐसा हमने कोई प्रॉमिस ही नहीं किया था चुनाव के समय में, अमित शाह ने डिनाई कर दिया। तो शिवसेना वाले BJP को समर्थन नहीं दिए, और BJP से हट करके इन्होंने शरद पवार की पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को पूरा का पूरा समर्थन दिया, और बदले में उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी सौंपी गई। ये सारा कुछ सही चल रहा था, ये सरकार को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अभी से कुछ महीने पहले घटनाक्रम होता है जिसमें कि बहुत शिवसेना के बहुत सारे मेंबर्स, विधायक जो थे, वो सूरत चले जाते हैं, गुजरात, और वहां से उनको फिर भेज दिया जाता है गुवाहाटी, आसाम, जहाँ की आसाम आपको पता है BJP रूल्ड स्टेट है, और वहां पर होटल में सारे विधायकों को रखा जाता है। और शिवसेना को लेकर के वहीं से बात आने लगी कि शिवसेना टूट गई है, शिवसेना में दो फाड़ हो गया है। तो जब वहां से एकनाथ शिंदे लौटते हैं, एकनाथ शिंदे बोलते हैं कि अब हम शिवसेना के लीडर हैं, क्योंकि उस समय 37 विधायक, मतलब टोटल आउट ऑफ 55 उस समय 37 MLAs सपोर्टेड एकनाथ शिंदे दैट एज अ लीडर ऑफ द शिवसेना। तो इसको लेकर के एक विवाद पैदा हो गया। उद्धव ठाकरे को लगा कि यार शिवसेना तो हमारे पिताजी की थी और हम इसके नेता थे, एकनाथ शिंदे कैसे बन गया। तो इसको लेकर के बहुत सारा पॉलिटिकल ड्रामा चला, आप एग्जीक्यूटिव ड्रामा चला, जुडिशरी में आप ड्रामा कह नहीं सकते क्योंकि वहां पर ड्रामा होता नहीं है, वहां पर एक्चुअल फैक्ट्स
और एविडेंसेस पे बात होती है, प्रूफ पे बात होती है। तो ये मैटर जो विधानसभा में हल्ला हंगामा राज्यों में हुआ जो हुआ ही, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास भी चला गया। सुप्रीम कोर्ट में ये बोला गया कि महाराष्ट्र के स्पीकर अननेसेसरली डिले कर रहे हैं सारे प्रोसीडिंग्स को लेकर के, तो इसको लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठाया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एंड इट वॉज हेडेड बाई नन अदर दैन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिमसेल्फ DY चंद्रचूड़ साहब एंड जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली एंड जस्टिस PS नरसिम्हा, पांच जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठाई गई। आप लोग सब लोग जानते हैं कि पांच जजेस जब बैठेंगे तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के नाम से जाना जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठाया गया जिसमें कि पांचों जजेस ने यह फैसला सुनाया कि अल्टीमेट अथॉरिटी, द रियल अथॉरिटी टू लुक आफ्टर ऑल दीज इशूज इज द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा के जो स्पीकर है वही असली असली अथॉरिटी, असली आधिकारिक क्षमता उनकी ही है कि वो इन सब मुद्दों पे अपना डिसीजन जो दे वही माना जाएगा कि असली डिसीजन है, वही माना जाएगा कि सबसे अथॉरिटेटिव डिसीजन है। तो ये मुद्दा को लेकर के महाराष्ट्र के जो स्पीकर हैं राहुल नार्वेकर साहब ने कल फैसला सुनाया कि शिवसेना जो असली शिवसेना है, जो वैलिड शिवसेना है, जो रियल शिवसेना है, वो उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली नहीं है, वो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है। आपको पता है कि अभी एकनाथ शिंदे इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द महाराष्ट्र, डिप्टी CM इज द देवेंद्र फडणवीस फ्रॉम BJP। तो अभी अभी इस बात को आप समझिए और इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करिए कि शिवसेना जो एक समय से बाला साहब ठाकरे से चला आ रहा था, इतनी पुरानी पार्टी थी, ग्रैंड ओल्ड पार्टी, जो कि अब एक उनके परिवार से बाहर निकल करके एक नाथ शिंदे के पास चली गई, राइट। अब जिन जिन मुद्दों को लेकर के बहस हुआ उस मुद्दे पे मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं तो चीजें और भी क्लियर हो जाएगी आपके लिए। महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि जिस समय दोनों फैक्शंस एमर्ज हुए, एक उद्धव ठाकरे वाली और एक नाथ शिंदे वाली, उस समय आउट ऑफ 55 37 MLAs वर विद द BJP, सॉरी वर विद द एकनाथ शिंदे, सो दैट इज द वैलिड शिवसेना, एक पॉइंट। और एक दूसरा पॉइंट जो ये बोला गया कि जो चीफ व्हिप है वो सुनील साहब थे, तो बोला गया कि सुनील जी चीफ व्हिप नहीं थे क्योंकि 37 MLAs इनके पास था, तो भरत गोगावले को माना गया कि चीफ व्हिप वही है, वही पार्लियामेंट्री फंक्शंस जो है उसको निपटाने का पार्टी की तरफ से उनका काम था, भरत गोगावले का। और जो लीडर है वो एकनाथ शिंदे है, उद्धव ठाकरे नहीं है। और इन तीनों का बेस क्या बना कि 37 MLAs एकनाथ शिंदे के साथ थे, मतलब कि एकनाथ शिंदे के साथ 37 MLAs है। दूसरा पॉइंट है आपका कि जो सुनील साहब जो व्हिप थे उनको एक तरह से हटा दिया गया और चीफ व्हिप माना गया भरत गोगावले को, और लीडर उद्धव ठाकरे से हटा करके माना गया एकनाथ शिंदे को। और इसमें एक और पॉइंट है जिसमें कि बोला गया कि सुनील ही व्हिप है, चीफ व्हिप है, और उसने बुलाया सब लोगों को लेकिन कोई प्रोसीडिंग में गए ही नहीं। राहुल नार्वेकर ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया, बोला गया कि रात के 12:31 AM पे ये मैसेज व्हाट्सएप से किया गया और बोला गया कि 12:30 बजे कल दोपहर में मीटिंग है, तो कोई भी मीटिंग इस तरह से नहीं कराई जा सकती कि इतने शॉर्ट नोटिस पर कि 12 घंटे से भी कम का टाइम मिला एडवांस में कि आप मीटिंग के लिए आइए। तो ये भी फैसला गलत था, ये फैसला दैट वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स। एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट कि उनके तरफ से कहा गया, उद्धव ठाकरे के तरफ से, उस वाले फैक्शन की तरफ से, कि ये लोग कभी पार्टी मीटिंग में नहीं आए, इन्होंने अपने डिसेंट को कभी रखा नहीं जब MBA में हम सरकार चला रहे थे। तो उधर से राहुल नार्वेकर जो स्पीकर है उन्होंने काफी क्लियरली कहा कि एट मैक्स दिस कैन बी सेड टू बी अ वॉइस ऑफ डिसेंट, मतलब कि हम आपसे मतलब नहीं रख रहे हैं, तो हम आपके मीटिंग में जाकर के अपने पॉइंट्स को नहीं रख रहे हैं, बाहर में आकर के मीडिया को बोल रहे हैं, ये मेरा डिसेंट है। एंड डिसेंट, राइट टू डिसेंट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A विच टॉक्स अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन।
तो उनका भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, भैया हमको आपकी पॉलिसी अच्छी नहीं लग रही है, हम आपके सामने नहीं बोल रहे, पीछे में बोल रहे हैं, हम मीडिया के सामने अपनी बातों को रख रहे हैं। तो इसको वॉइस ऑफ डिसेंट माना गया राहुल नार्वेकर के शब्दों में, और माना गया कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत कवर्ड है, राइट। इसके बाद जो चीफ व्हिप की बात कर रहे हैं सुनील साहब की, तो कह रहे कि जब सारे एमएलए ही उनके साथ है मेजॉरिटी, तो चीफ व्हिप आप कैसे रहे, आपके पास राइट ही नहीं है। और अगर इसको मान भी लेते हैं कि राइट है, तो 12 घंटे से भी कम का आपने टाइम इशू किया, अलाउ किया, तो इतने कम शॉर्ट नोटिस पे व्हाट्सएप मैसेज पे अगर कोई नहीं आया तो इसके लिए कोई गलत बात नहीं है। तो फाइनली गाइस, जस्ट टू बी टेलिंग यू द ट्रुथ एंड जस्ट द पॉइंट्स दैट यू कैन टेक बैक होम, कि ये जो राहुल नार्वेकर का फैसला आया, ये सुप्रीम कोर्ट के लाइट में, इन द लाइट ऑफ द जजमेंट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एंड दैट टू हेडेड बाय द सीजेआई हिमसेल्फ, दैट इंक्लूडेड जस्टिसेस डीवाई चंद्रचूड़ साहब, एम आर शाह साहब, then Krishna Murari, P.S. Narasimha and Hema Kohli, all these five judges, they had this view that the speaker is the ultimate authority to look after this issue. And say yesterday, Maharashtra speaker Rahul Narvekar cleared everything, ruled out that Eknath Shinde Shiv Sena is the valid real Shiv Sena. So this all I had to explain before you. I hope that the point is very very clear to each one of you. और जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि ये सिर्फ एक political news नहीं है, ये political legal news है, ये मतलब politics से, bureaucracy से, judicial system से सबसे deal करता है, तो ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो guys, if you haven't liked or shared or subscribed our channel, then do like it, share it and subscribe so that it reaches to the person who needs conceptual clarity on issues like this, right? Thank you everyone. Jai Sri Ram, Jai Hind.